आज हम खड़े हैं नगर परिषद कार्यालय भांडर के यहाँ पर, क्योंकि नगर परिषद की जनता के द्वारा कुछ समस्याओं को लेकर नगर परिषद CMO राजीव जैन को अवगत कराया गया, जिस पर उनके द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। भांडर नगर की जनता के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया जो समस्याएं हैं। जनता का कहना है कि उनके वार्ड में नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं की जाती है, वहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे रोड उखड़ा पड़ा है, स्वच्छता नहीं है, समय समय पर कचरा प्रबंधन नहीं किया जाता, पानी की समस्या है, वहाँ पर जो पाइपलाइन डाली गई है उसका सुचारू रूप से मेंटेनेंस कार्य नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा। इस समस्या से नगर परिषद की जनता के द्वारा नगर परिषद CMO को एक लिखित आवेदन देकर उन्हें अवगत कराया गया, जिस पर जनता आई और उन्हें अवगत कराया गया। आपके द्वारा नगर परिषद CMO को जो समस्याओं से अवगत कराया गया, क्या है वो समस्याएं? वो समस्या ये है कि मोहल्ले में शुरू में जब ये नल लगे हुए थे तो पानी आता था, 10 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, पूरा मोहल्ला परेशान है। इसलिए नगर पंचायत CEO को मैंने आवेदन दिया कि इस समस्या को सॉल्व किया जाए, मोहल्ला में झाड़ू नहीं लगती है और ना नाली साफ होती है। इस पर CMO ने क्या जवाब दिया आपको? CMO ने ये जवाब दिया कि तत्काल अभी सफाई होगी, झाड़ू भी लगेगी और कल तत्काल नल चालू हो जाएंगे, समस्या सॉल्व कर देंगे कल। नमस्कार, आज हम बैठे हैं भांडर के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ की जनता को समस्याएं हैं, इन समस्याओं से यहाँ के निवासियों ने नगर परिषद CMO को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बाढ़ निवासी कुछ महिलाओं की भी समस्याएं हैं, आइए तो उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सरस्वती। क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं आता। कब से नहीं आ रहा है? कोले दिन से, गर्मियों में भर नहीं आओ। यहाँ की महिला ने हमें बताया है कि यहाँ पे पानी नहीं आता है। हाँ, बाद ना आप फोटो ले गए थे, बाद से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा यार। पहले यहाँ पानी आता था क्या? पहले यहाँ पर पानी आता था? हाँ, पहला आता पानी, फोटो ले गए उस दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब पानी बंद हो गया, कितना समय हो गया लगभग? 15-20 दिन हो गए, हम लोग पानी ढो रहे हैं, कहाँ तक ढोवे बोलो। पानी नहीं आने पर समस्याएं आती होंगी आपको? तो पानी ढो रहा है, हाथ पर आ रहा है, काऊ के नन्या पानी को नहीं दे रहा तो कहाँ जाए पानी ले बोलो। पानी नहीं आने की समस्या का समाधान कहीं ना कहीं युवा वर्ग कर लेता है, लेकिन कुछ बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं जिन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही बुजुर्ग महिला हमारे साथ में है, इनसे हम पूछते हैं कि पानी नहीं आने पर इनकी क्या समस्या है? अरे भैया, नहाने को बैठे रहते, कोई पानी नहीं, एक बूंदा पानी नहीं, कम से कम 1 महीना से परेशान हो रहा है। झूठ बोलते हैं ये लोग, पैसा लेकर धर लेते फिर कोई देखने नहीं आता है ना, बहुत परेशान है। सब लोग यहाँ अपने अपने बाल्टी रीते लाए, कहीं तसला लाए, कहीं गिलास लाए, इनसे पानी भरा जाता है। बाढ़ में अम्मा कब से नहीं आ रहा है पानी? कम से कम 2-3 महीने हो गए, गर्मी में भाई ऐसे कड़ गए। यहाँ स्वच्छता, नालियों की सफाई होती है क्या? नहीं, कभी कभी होती, कभी नहीं आते, महीना खाण में कभी आते कभी नहीं आते। तो यहाँ की महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती है, तो आइए जानते हैं अगली महिला से कि क्या समस्या है उनकी। यहाँ पे ना तो झाड़ू वाली आती है कोई, ना कचरा निकालने आता है, यहाँ गंदगी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब यहाँ सफाई जब स्वस्थ था अभियान चल रहा है, फिर क्यों साफ सफाई नहीं हो रही है? यहाँ जानवर भी बहुत फिरते हैं। यहाँ की महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आवारा पशु घूम रहे हैं, इस पर नगर परिषद क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। नगर परिषद CMO राजीव जैन के द्वारा आश्वासन दिया गया है, अब देखना होगा कि उनकी आश्वासन पर क्या कार्रवाई होती है। मैं ब्रजेंद्र कुशवाहा, SRI बुलेटिन के साथ। नगरवासियों द्वारा भी कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराया गया, इस बारे में भी क्या कार्रवाई की जा रही है? एक्चुअली मुझे अभी जानकारी नहीं है इसके बारे में, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है मैटर मेरे पास पे। अभी मैंने इंजीनियर और जो भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको बोल दिया है कि जो भी शिकायत स्थल पे जाकर उसका निराकरण समय सीमा में करें, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं खुद जाके देखूंगा।
सुनने में ऐसा आ रहा है कि वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में भी नलों की समस्याएं काफ़ी हैं। वहाँ पे जो नल है, पानी की पाइपलाइन जो डाली है वो चालू नहीं है। किस वार्ड पे बोला है आपने? 9, 10, 11। हाँ, 9, 10, 11 वार्ड नंबर 1 से लेकर 2 नंबर वार्ड को छोड़ के 9 नंबर वार्ड में बानको कंपनी द्वारा इसका जल सप्लाई की जा रही है। 9 का कुछ हिस्सा और 10 से लेकर 15 तक सोनतलैया से कनेक्ट है, जिसको एक्सटेंशन किया गया था बानको कंपनी को, जिसके मोटर आ चुकी है और मुश्किल से 7 दिन के भीतर पानी 15 वार्डों में सप्लाई हो जाएगी। कोरोना वायरस जैसी महामारी में अभी भी कहां-कहां तक कितनी वार्डों को सैनिटाइज किया गया नगर पालिका द्वारा? एक रूट प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें 1 से लेकर 15 वार्डों में प्रोग्राम के हिसाब से सैनिटाइज किया जाता है। साथ में शासकीय जो कार्यालय है उनको भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। अभी स्कूलों में एग्जाम चालू हो गए हैं, उनको पूरी स्कूलों, कॉलेज में, छात्रावासों में सब जगह सैनिटाइज की व्यवस्था लगातार की जा रही है। स्वच्छता को लेकर और कचरा प्रबंधन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? लगातार 15 वार्डों में कचरा घारी आ रही है, जो कि आम जनता द्वारा डोर टू डोर कलेक्ट किया जा रहा है, उसको ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुँचाया जा रहा है। साथ में कहीं अगर शिकायत मिलती है तो तत्काल उसको निराकरण किया जाता है। नाला गैंग बनाया गया है 20 लेवर द्वारा, और जहां भी पानी की, जल भराव की समस्या पैदा होती है पहले उसको साफ कराया जा रहा है, ताकि मानसून में इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़े। कोरोना वायरस को लेकर जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? घर पर रहें और मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर आपके बाहर या आसपास पड़ोस में कोई अन्य व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके।